अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले बच्चे हों या बूढ़े, सभी राम धुन में डूबे हुए हैं। इसी कड़ी में 2 साल की छोटी लता ने लता चौक पर मानस की ऐसी चौपाई सुनाई जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मतलब बच्चे का पूरा परिवार ही राम भक्त है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जो भी महान विभूतियाँ होती है उनका आशीर्वाद भी लोगों को किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाता है। बात रामनगरी अयोध्या की हो तो यहाँ सुरों की मल्लिका कही जाने वाली पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के नाम से एक चौक का निर्माण योगी सरकार ने कराया है जिसे लता चौक के नाम से जाना जाता है। अयोध्या की कवरेज के दौरान अनादि टीवी के कैमरों की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो अकेले ही राम भक्ति में लीन रहा और पूरे सुर, लय, ताल के साथ रामायण की चौपाइयों को उच्च स्वर में उच्चारित करता रहा, जो कहीं न कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा था। जगत पति जागे राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मन क्रम वचन चार चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस शख्स की पुत्री भी उन चौपाइयों को दोहराती दिख रही है। इस उम्र में भी इतने उच्च संस्कार निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। ऐसे में हमने इस परिवार से बातचीत की और मानस की कुछ चौपाइयां सुनी। बातचीत के दौरान इस परिवार ने 22 जनवरी को लोगों से अयोध्या ना जाने की अपील भी की और इसका कारण जानकर आप सभी चौंक भी जाएंगे। देखिए राम भक्त परिवार से हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा की खास बातचीत के कुछ अंश। जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। अनादि टीवी फिर एक बार अयोध्या के लता चौक पहुंचा है और वास्तव में इस स्थान की कुछ ऐसी माया भी है, कुछ ऐसा यहां का कारण भी है कि यहां पर लोग भक्तिमय माहौल में स्वतः ही डूब जाते हैं। हम यहां पर मौजूद हैं, अनादि की हमारी टीम यहां पर मौजूद है। इन्हीं सब के बीच में एक बहुत ही मधुर ध्वनि हम लोगों के कान में पड़ती है और बरबस हम उस ध्वनि की तरफ आकर्षित हो उठते हैं क्योंकि वो ध्वनि राम धुन की थी। और यहाँ पर जो ये परिवार मौजूद है, जो भाई साहब मौजूद हैं, वो गाना गा रहे थे और अपने बच्चे को भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनका बच्चा भी इस गाने को सीखे। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? विजय दीक्षित नाम है मेरा। तो अयोध्या में घूमने आए हैं? नहीं, मैं अयोध्या में इंडियन बैंक में मिल्कीपुर में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ और आप हमारी पत्नी रेवाश्री अवस्थी हैं। आप भी LIC ऑफ इंडिया में प्रशासनिक अधिकारी हैं, AO हैं। हम दोनों 12 जून को यहाँ पे इनकी प्रोन्नति हुई थी तो हम दोनों भगवान की कृपा से एक साथ ही एक ही दिन ज्वाइन किए थे 12 जून को। तब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। LIC के सामने ही आवास है और हम लोग अपना सुबह के समय और शाम के समय भक्ति करते हैं और दिन में हम लोग अपने अपने ऑफिस जाते हैं। बड़े खुले कंठ से प्रभु श्री राम की महिमा का बखान आप कर रहे थे। हम चाहते हैं एक बार कैमरे के सामने वही सुर, वही लय, उसी ताल में एक बार। बिल्कुल, ये तो राम जी की कृपा है कि आपको अच्छा लग रहा है। मैं 7 साल का था तब से रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया था और हमारी बच्ची 2 साल की थी तब से इसको मंगल भवन मंगलहारी की चौपाई याद हो गई। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी तोतली आवाज़ में जरा एक बार सुन लें। बेटा बोलो मंगल भवन। मंगल भवानी अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजी रविहारी, नाम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, नाम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगलहारी,
द्रव हूँ सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जी की महिमा कितनी अद्वितीय है कि वाल्मीकि भगवान मरा मरा करते हुए राममय हो गए और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की रचना की। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है एक लाइन में, उल्टा नाम जपति जग जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म शमाना राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही जब भगवान आए हैं कहाँ पे दरबार में है तो कैसे है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सबहिं कृपाला सिया राम जय जय राम। भक्ति रस में पूरी तरीके से डूबे हैं। लता चौक है, सुर सामग्री के नाम से इस स्थान को नामांतरित किया गया है। आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है, कड़ाके की ठंड है, रात का इतना देर हो रहा, भक्ति रस में कितना आपको आनंद आ रहा है? देखिए भक्ति जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी प्राप्त होती है और आप मुझे इस समय देख रहे हैं। मुझे कुछ भगवान की ऐसी कृपा पिछले 3 नवंबर से प्राप्त हुई कि मैं पिछले 3 नवंबर से सुबह 4 से 4:30 के बीच में आपको सरयू तट पे अधिकतम 5 बजे तक प्रायः मिल जाऊंगा। इधर थोड़ा सा कोहरा है तो चूंकि मेरा एक छोटा सा अकाउंट है, मैं कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं हूं, मैं अपने अकाउंट पे ही उसको लोड करता हूं जो भी कर रहा था। 4800 मित्र हैं, वो भी प्रोफाइल लाग रहता है क्योंकि मुझे पॉपुलरिटी की कोई कामना नहीं है। अभी मुझे आज तक का चैनल बुला रहा था, हमारी मिसेज ने बताया भी, लेकिन मैं अपने भक्ति में इतना डूबा हुआ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये भी जानती हैं कि जब मैं रामायण गा रहा होता हूँ तो मुझे उसके बाद किसी आनंद की सुध-बुध नहीं रहती। मैं अपने कार्यालय में भी बैठता हूँ तो कभी कभी मैं ध्यान करता हूँ कि मैं कार्यालय में बैठा हुआ मैं रामचरितमानस जोर जोर से बोलने लगता हूँ। आप शांत हैं, अक्सर देखा जाता है गृह स्वामिनी जो होती हैं वो बोलती हैं और सेनापति शांत रहते हैं, आप शांत हैं, आज ये बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी राम भक्ति को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इनकी इतनी राम भक्ति देखते हैं और मुझे नहीं पता था, शादी के बाद जब मुझे पता चला इतनी अच्छी रामायण गाते हैं तो मुझे भी बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि कभी कभी जब सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे आप कितने भी दुख में हो, निगेटिविटी चली जाती है, आप मानो चाहे ना मानो भगवान को, वो अलग बात होती है, लेकिन कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो ये पता होता है कि चलो कोई है जो देख रहा है, जो हमारा कुछ करेगा, तो वो पॉजिटिविटी लाने के लिए भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है, वरना हम सब डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर हम भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे। वही एक एट लास्ट होते हैं जो पता होता है ये हमारा सब केयर देंगे। फिर हम लोग तो ऐसी जगह पर पोस्ट होंगे अयोध्या जिसने और उसको गियर अप कर दिया है, तो अब इस समय इनकी भक्ति बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसको थोड़ा सा बच्ची को भी भक्ति और संस्कार कौन सिखाता है? कोई भी सिखाता सिखाता नहीं है, घर पे देखकर ही मुझे लगता है उसमें आता है, क्योंकि हम उसे एक दिन में सिखा नहीं सकते, जब वो आपको जैसा करता देखेगी वही करेगा बच्चा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो माता पिता करते हैं बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। सुबह का दृश्य है, मैं सुबह 4 से 8 लगभग ऐसे ही रहता हूँ, ये आप फोटो देख रहे होंगे, सुबह 4 से 8 मैं ऐसे ही रहता हूँ। और जो इन्होंने भगवान के दर्शन की बात कही है, भगवान के स्मरण की बात कही है, उस पर मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि क्या लिखा है। अवस्थी जी, उससे पहले मैं, अच्छा दीक्षित जी, उससे पहले, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन आपकी भक्ति का चरमोत्कर्ष क्या होगा? देखिए मैं प्रतिदिन और प्रतिपल इसको जी रहा हूँ, और आप समझिए कि मैं जिन भक्तों से मिल रहा हूँ पिछले 60 दिन से, मैं कंटिन्यू हूँ लखनऊ जाने को छोड़ के, चूँकि मैं लखनऊ जनपद का मूल निवासी हूँ, हम दोनों वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, और तैनाती मेरी लोगों की कई जिलों में रही है, अभी हम लोग अयोध्या में हैं। ये राम जी की विशेष कृपा है, कई हजार जन्मों का पुण्य मेरे माता पिता का, मेरे चाहने वालों का और हम सब का फलित हुआ है कि हम दोनों एक साथ सपत्नीक यहाँ पोस्टेड हुए हैं और मेरी बिटिया भी यहीं पढ़ रही है, तो ये सौभाग्य है। और जो 22 तारीख की आप बात करते हैं उसके बारे में शब्दों में व्याख्यायित करना असंभव है, क्योंकि कभी कभी मैं अपना लाइव चलाते चलाते रोने लगता हूँ, क्योंकि इस मंदिर के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से भी उनके परिवार के जो लोग जीवित हैं उन सभी को, और मैं रामलला के नियमित दर्शन पिछले 60 दिनों से कर रहा हूँ इन्हीं वस्त्रों में जो अभी आपने फोटो देखा है, और नंगे पांव जाता हूँ मैं,
और मुझे इतनी, और मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ, और जब भी मुझे झाड़ू मिलती है वहाँ लगाने के लिए तो मैं उस कूड़े को कूड़ा नहीं समझता हूँ, मैं उसको बाहर के अपने सर के ऊपर से ना लेता हूँ, क्योंकि ये वह चरण रज है जिसको पाने के लिए 500 सालों में कम से कम हमारी 25 से 30 पीढ़ियों ने अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर पर दिया है। इसको शब्दों में व्याख्यात करना असंभव है। हम ये नहीं कह सकते किसने ज़्यादा योगदान दिया है, किसने कम योगदान दिया है। सभी ने, जिससे जो भी संभव था, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। और 22 तारीख का वह शुभ दिन है, उसमें कभी ये मत समझिए इस लाइव चैनल के माध्यम से कि वो जो 5000 लोग हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं एक शहर में 1.5 अरब की आबादी को एक दिन में बुलाना संभव नहीं होगा। ये मंदिर हम सभी के लिए बन रहा है, और अगर किसी को दर्शन मिल रहा है तो मैं तो 60 दिन से कर रहा हूँ, मैं उस दिन अपने घर पर बैठ के रामचरितमानस कर लूँगा, क्योंकि मैं और मेरे जैसे करोड़ों भक्त इसी में खुश हैं कि वो उस दिन अयोध्या आ गए हैं। मैं एक माता का जिक्र करूंगा जो भी मुझे कुछ दिन पहले सुबह सुबह मिली थी। उन्होंने कहा बेटा मेरी एक फ़ोटो खींच के भेज देना। उनको ये भी नहीं मालूम था, कह रही जब फ़ोन उठेगा तभी तो फोटो जाएगा पड़ोसी के नंबर पे। हमने कहा नहीं माता, आप नंबर दे दीजिए, उस पर फोटो खींच के चला जाएगा व्हाट्सएप पे। उनकी राम भक्ति ऐसी थी कि वो 28 दिन पैदल चल के गुजरात से यहाँ आई थी। तो मैंने उनसे आपके तरह का यही सवाल किया कि हे माता, क्या तुम सोच रही हो कि 22 तारीख को तुम दर्शन में जाओगी? तो उस माता का सीधा जवाब था कि मैं अगर अयोध्या जिले के किसी खेत में भी उस दिन पड़ी रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगी जब तक जीवित रहूंगी कि मैं जिस दिन पूजन हुआ था उस दिन अयोध्या जिले में रही थी। राम भक्ति तो आपकी भी गजब है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका पूरा परिवार और आपकी भक्ति ने कहीं ना कहीं हमें भी आपकी तरफ आकर्षित किया, और बच्ची में जो आप लोग संस्कार दे रहे हैं ऐसे संस्कार का प्रवाह बच्चों में आवश्यक तौर पर होना चाहिए। आपने देखा ये अयोध्या का यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग पूरी तरीके से राम भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। ये 22 तारीख का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन साफ एक संदेश भी दे रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनने का जो भी प्रयास है उसमें हर किसी का भागीरथी प्रयास है। ये प्रयास न छोटा है न बड़ा है, एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि मौखिक और अनुपम दृश्य को टीवी के माध्यम से अपने घर पर देख सकते हैं। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ नितेश मिश्रा। यूँ तो कई सारी बातें हैं, कई सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक राम मंदिर से पहुंचाई जाएं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है जहां देख रहे हैं कि कैसे राम भक्तों में उत्साह है, कैसे छोटी छोटी बच्चियां राम भक्त दिखाई दे रही हैं, और किस तरह से आपने देखा लता ने भी चौपाई सुनाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है यकीन कीजिए, और इस दिन पूरी अयोध्या ना केवल देश दुनिया में आपको दीप जलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये दिन ही खास होगा। दीजिए इजाजत, जय श्री राम। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए।